आई एम तहसीन समन फ्रॉम इंडिया फायर न्यूज़। देखिए कि जंतर मंतर पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं गो हत्या रक्षा के नाम पर जो हत्या की जा रही है। हमारे पास एक आवासीय फाउंडेशन के कुछ लोग आए हुए हैं जो इस प्रदर्शन को कर में शामिल हैं। आइए अब उनसे मिलते हैं जंतर मंतर पर। आपका नाम? मेरा नाम शबीना खान है, मैं हमारी आवाज़ फाउंडेशन संस्था से हूँ, संस्थापक हूँ। आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए? सॉरी आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए इकट्ठे? जैसा कि सभी को पता है कि 2 तारीख और 3 तारीख को धरना हो रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिमों पर, उसके लिए तो इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हमें न्याय दिया जाए और जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिले और जुनैद को न्याय मिले, ना इंसाफी ना हो जुनैद के लिए। और यहाँ पर हिंदू भी आए हुए हैं, मुस्लिम भी आए हुए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग एक हो जाएं और मोहब्बत कायम रखें और इस भारत को एक बनाएं। अगर कट्टरपन दिखाना है तो कट्टरता इसी में लाइए कि भारत को एक बनाना है और आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा है उसको कामयाब बनाएं। यही होगा हमारा भारत, यही होगा असली भारत। आप हमेशा प्रदर्शन में जाते रहते हैं? जी, मैं जाती रहती हूँ। जहाँ पर जुर्म होता है वहाँ पर हमेशा मैं जाती हूँ और जाना भी चाहिए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ हमेशा बोलना चाहिए, कभी खामोश नहीं बैठना चाहिए, मेरा ये मानना है। जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, ये सिर्फ मुस्लिम के साथ है या हिंदू के भी साथ है? मुस्लिमों के साथ तो हो ही रही है, लेकिन दलितों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो ये हत्याएं एक धर्म को लेकर तो हो रही हैं, अब जाति को लेकर भी होने लगी हैं, तो ये आगे जाकर बहुत विशाल रूप ले सकता है। तो इसलिए धर्म के नाम पर हत्याएं ना की जाएं और ना ही राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश करें। इंसानियत को कायम रखें, इंसानियत को जिंदा रखें, राजनीति से हटकर सोचें। और मेरी अपील है गौ रक्षकों से कि वो भी एक इंसान है, दूसरे इंसान को काटते हुए क्या उनको नहीं शर्म आती या उनको नहीं लगता कि किसी का खून बह रहा है, वो हमारे भाई का खून है। तो उनको समझना चाहिए और इस जो सत्ता की रोटियां लोग सेक रहे हैं गौ रक्षकों के नाम पर, वो ना सेकें, गौ रक्षक खुद पीछे हटें और एकता की मुहिम चलाएं, मेरी उनसे गुजारिश है। जैसे आप जाते रहते हैं, किस तरीके की हिंसाएं आप जो है देखते रहते हैं, अक्सर क्या मुद्दा रहता है? मुद्दा ज़्यादातर रहता है बीफ का, गाय का और इसी तरह का मुद्दा रहता है। लेकिन अगर आपको बंद ही करवाना है तो आप स्मोकिंग बंद करवाइए, अगर आपको बंद करवाना है तो आप अल्कोहल बंद करवाइए, ये मीट बैन करवाना है, मीट बैन करवा रहे हैं। और झूठी अफवाहों पर लोगों को मारा जाता है, ये कहीं का कोई न्याय नहीं है। आप लोग इसको समझें और सरकार इस पर खामोश रहती है तो इसका मतलब है कि क्या सरकार शह देती है कि आप मारो और इस भारत में नदियां बहने दो खून की। अच्छा, हमने सुना है कि सोनिया विहार में कुछ इस तरीके के कांड हुए हैं जो मस्जिदों को लेकर के कुछ बवाल उठाया जा रहा है, चर्चाएं हुई हैं। जी, ऐसे ही कुछ आतंकवादियों ने, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, तो कुछ आतंकवादियों ने मस्जिद गिराई है, तो वो है केस में, कोर्ट है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, सरकार को चुप नहीं बैठा। लेकिन हमने सुना है कि वो तो जो झूठा है, सिर्फ वो शौकत नाम से किसी ने कब्जाया हुआ था, ये इस तरीके मस्जिद का मामला? नहीं, वो कब्जा हुआ नहीं है, उसके पेपर मेरे पास हैं ऑलरेडी, जो मस्जिद जहाँ पे बनी हुई थी 100 गज का प्लॉट था, उसके पेपर्स हैं, मैंने देखे हुए, पावर ऑफ अटर्नी है उसकी, लेकिन ये जानबूझकर उस वहाँ पर नहीं बसने देना चाहते हैं उन लोगों को जो वहाँ पे मस्जिद बनाए या वहाँ पे नमाज पढ़ें। तो इन पर आवाज़ उठानी चाहिए और इन पर सरकार को भी चुप नहीं रहना चाहिए, सरकार को भी बोलना चाहिए। तो हमेशा आप आवाज़ उठाते रहते हैं इस तरीके? हमेशा उठाती रहती हूँ, हमेशा उठाती रहूँगी। और आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी जुर्म को ना सहें, जुर्म अगर देखें तो आवाज़ उठाएं, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, जुर्म जुर्म होता है, आप आवाज़ उठाएं। किस फाउंडेशन में कुछ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लगे? मेरे फाउंडेशन में ज़्यादातर जो हमारे मेंबर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, वो हिंदू हैं और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और मैं हमेशा रक्षाबंधन भी मनाती हूँ, होली भी मनाती हूँ और ईद भी मनाती हूँ, क्योंकि सारे त्यौहार हमारे लिए एक जैसे ही हैं। थैंक यू आयशा जी। आयशा जी, देखिए इस तरीके के जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका कहना है कि इस तरीके का आपस में मिले रहे और प्रदर्शन जो हो रहा है इसमें हिंदू भाईचारा, और हमारे फाउंडेशन में ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, उनका जो है आपस में भाईचारा बनाए रखें। आप इसी के साथ इंडिया फायर न्यूज़ देखते रहें।